तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी ठीक है ये चीजें हम क्या करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट करने वाले हैं तो इसमें हम देखेंगे हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में और दूसरी चीज की उससे रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के द्वारा वो सारे हम क्या करने वाले हैं इसमें देखने वाले हैं बच्चों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक को लेके और कई एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में इससे एग्जाम क्वेश्चन अगर बायोलॉजी में पूछा जा रहा है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से जो होते हैं वो पक्के होते हैं ठीक है तो चलिए इस टॉपिक को हम क्या करते हैं आज कवर करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो के एंडिंग तक आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक अच्छी समझ होगी आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और ओवरऑल जो एक आपका नजरिया है अभी तक का वो आपका चेंज होगा और चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे पहले भाग में मैं क्या करूँगा सारे पार्ट्स जो है इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तो उसके मैं क्या करूंगा नाम बताऊंगा आपको और दूसरे पार्ट में इसकी फंक्शनैलिटी इसके रिगार्डिंग जितनी भी है वो सारी मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे पार्ट्स जो दिए गए हैं उनके उसके नाम जो है वो हम पहले देख लेते हैं तो आइए हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर देखिए हमारा ये हर्ट बनाया गया है रेड कलर से ये जो आपको स्क्वायर एक दिख रहा है वो हमारा बेसिकली हर्ट है अब हर्ट हमने रियल हर्ट का डायग्राम यहां पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसमें जो है ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे फिर उसको क्या कर पाते हैं ग्रैब नहीं कर पाते हैं चीजें वहां से स्किप होने लगती है दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्क्वायर टाइप हर्ट विच इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड तो चार हार्ट चेम्बर है हमारे पास येलो कलर में आपको दिख रहा होगा वन टू थ्री एंड फोर तो हार्ट है फोर चेम्बर आपको याद रखना है इसके नेमिंग्स को देख लेते हैं ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल इसको बाया नीले हिंदी में बोलते हैं अब देखिए जब आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो आपके लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट है वो यहाँ पे राइट right दिख रहा है ठीक है और राइट right साइड वाला हार्ट जो है लेफ्ट दिख रहा है मतलब अपोजिट है आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम आपके राइट right साइड में आपको दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम ये वाला ठीक है क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन जो है आप स्क्रीन के स्क्रीन सा, के साथ खड़े नहीं है इस वजह से यह क्या है अपोजिट दिख रहा है आपको मीन्स अगर कोई ह्यूमन अगर इस तरीके से खड़ा हो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ये अगर एक ह्यूमन है और इस तरीके से ये खड़ा है तो ऑब्वियसली इसका जो हर्ट होगा यहां पर इसका मान लीजिए ये हर्ट है हमारा तो इसका लेफ्ट साइड ये वाला है ये क्या है लेफ्ट साइड है और ये क्या है इसका राइट right साइड है तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखेगा एट्रियम और वेंट्रिकल दिखेंगे ये भी आपको कहा दिखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे है कि नहीं बट आप जब इसे देख पा रहे होंगे अभी वीडियो को तो आपको ये चीजें जो है वो राइट right साइड में दिखेगी क्योंकि ये क्या है हम दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस वजह से ये क्या है अपोजिट हो जाती है होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी ठीक है तो हिंदी को मैं साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि जो है बाईल का यहां पे कोई इश्यूज ना आए जो हिंदी uh, मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में समझ पाएं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसे इंग्लिश में ही समझ पाए तो लेफ्ट एट्रियम सबसे ऊपर में यहां पर है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम जिसको बाया अलिंद बोलते हैं एट्रियम को एक्चुअली अलिंद बोलते हैं और उसी के नीचे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे हम क्या बोलते हैं बाया नील बोलते हैं राइट right एट्रियम दाया अलिंद और राइट right वेंट्रिकल दाया नील ठीक है तो ये चीजें हो गई अब यहाँ पर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इसकी जो वॉल है वो थोड़ी सी मोटी दिखाई दिखाई गई है तो आपको इसी तरीके से अभी याद रखना है क्यों होती है क्या होती है आगे जो चीजें फंक्शनैलिटी में हम लोग क्या करेंगे इसे डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ी सी एज कंपेयर टू थ्री चैम्बर्स दिस वॉल इज थिक ये आपको याद रखनी है यहाँ पे बीच में ये जो डिविजन्स होता है डिविजन्स तो नहीं है डिविजन है एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है सॉरी ये वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये जो डिविजन दिख रहा है आपको ये सारा ये कहलाता है हमारा सेप्टम सेप्टम का वर्किंग क्या होता है ये हम देखेंगे आगे ऊपर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें बेसिकली हमारा लंग्स इन्वॉल्व है मेन जो है पार्ट वो कौन लंग्स इन्वॉल्व है ये हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स है ये चार ब्लड वेसल्स है मेजर ब्लड वेसल्स ये नंबर वन है ये नंबर टू है ये नंबर थ्री का ब्लड वेसल्स और ये नंबर फोर का ब्लड वेसल्स हमारे पास चार एक्चुअली हमारे पास क्या है ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स इज नथिंग बट अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर कैरी ऑक्सीजन को कैरी करता है ये फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उसको कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एज वेल एज न्यूट्रिय हो सकते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी में फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि हमारे बॉडी में जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं तो सारे सेल्स को हमें फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स और एज वेल एज ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो सारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के द्वारा किया जाता है ब्लड वेसल्स के डिफरेंट कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे आगे देखने वाले हैं तो अभी इसको क्या करते हैं छोड़ते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ देखते हैं ऑल बॉडी पार्ट्स हमने क्या किया सारे बॉडी पार्ट्स को यहां पर रख दिया है जिसमें आपका हैंड हो सकता है लेग हो सकता है ब्रेन हो सकता है और भी डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे तो बॉडी पार्ट्स कहने का मतलब क्या है बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट द सेल सेल के बारे में बात कर रहा हूं तो ये रही हमारी ठीक है अब देखिए यहां पर दो चीजें दिखाई गई है यहां पर एक दिखाई गई हमारे पास वेन और दूसरी है हमारे पास क्या आर्टरी तो ये वाला जो पाइप होता है वन वाला वन जो मैंने बताया इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन फुसफुस सिरा बोलते हैं इसको दो नंबर वाले को हम लोग क्या कहते हैं महाधमनी बोलते हैं औटा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं औटा बोलते हैं तीन नंबर वाले को वेना कावा बोला जाता है महाशिरा और चार नंबर वाले को फुसफुस धमनी ठीक है इधर फुसफुस सिरा और इधर फुसफुस धमनी मतलब एक फुसफुस सिरा है हमारे पास और चार नंबर क्या है फुसफुस धमनी है तो आप सोच रहे हो ये तो काफी डिफिकल्ट है इसे याद करना काफी डिफिकल्ट है तो आप टेंशन मत लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इसे इसकी फंक्शनैलिटी को पढ़ेंगे तो ये आपको विद इन अ मिनट आपको याद हो जाएगा परमानेंटली ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं पार्ट हमने देख लिए अब हम क्या करते हैं फंक्शनैलिटी को एक चीज यहाँ पर मैं और बता दू यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो, जो जोड़ता है वो यहाँ पर होता है हमारे पास वल्ब यहाँ पे क्या लगा होता है वल्ब लगा होता है ये वाला पार्ट तो ये क्या होता है यहाँ पर वल्ब लगा होता है इस तरीके से वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो वल्ब लगा होता है यहाँ पे ठीक है तो ये आप याद रखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसकी क्या करते हैं फंक्शनैलिटी को अब हम समझने वाले हैं हार्ट को तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले आप देखिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये ये वीडियो हो सके कि थोड़ा लंबा हो तो इसमें आपको बोर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है एक एक चीज मैं बताने वाला हूं और ये 110 परसेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आएगा आना ही है नहीं आने का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे तो रेस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहले ऊपर होता है इसमें बेसिकली जो पार्ट्स होता है वो लंग इन्वॉल्व होता है क्या होता है लंग्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे दोनों लंग्स लेफ्ट है राइट है देखिए तो रेस्पाइरेटरी सिस्टम में जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारा लंग्स जो है एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करता है है कि नहीं गेन करके और फिर जो ऑक्सीजन होते हैं वो एल्वियोली के वॉल से डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में कहां पे ब्लड वेसल्स में जैसे अगर बात करें तो रेस्पाइरेटरी सिस्टम ने बेसिकली किया क्या है मेजर काम क्या किया है तो इसने क्या किया ऑक्सीजन को लिया है और इस ऑक्सीजन को एल्वियोली के थ्रू इसने क्या किया ब्लड वेसल्स में डाल दिया है कुछ ब्लड वेसल्स है हमारे पास इस तरीके से कैपिलरीज है एल्वियोली वाला स्ट्रक्चर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो यहाँ पर देखिए ये एल्वियोली है एल्वियोली के चारों तरफ क्या होते हैं कैपिलरीज इस तरीके से होती है इस तरीके से ऑक्सीजन जब इसके अंदर आता है ओ का कंसनट्रेशन बढ़ता है तो ओसिड ओ जो है वो डिफ्यूज होकर कहा आ जाता है कैपिलरीज में आ जाता है और कैपिलरीज में आने के बाद हार्ट का मेन काम तो यही होता है कि इस कैपिलरीज से O2 को पंप करा के ये डिफरेंट बॉडी के सेल्स में क्या करे पहुंचा दे है कि नहीं ताकि वहां पर सेल्स लेवल पे जब जाइए तो मैटोकोड्रिया में ये ग्लूकोज के साथ जुड़कर और एनर्जी का क्या करे उत्पादन करें साथ में CO2 और H2O भी बनता है आपको मैंने बताया था ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज में ये सारी चीजें हमने क्या किया डिस्कस किया ठीक है अब साइकिल को जो ये जो पूरा एक साइकिल है इसको हम लोग यहां से समझना स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से यहां से हम लोग क्या करते हैं इसे समझना स्टार्ट है, करते हैं सबसे पहले लंग्स ने क्या किया लंग्स ने ऑक्सीजन को लिया अभी मोटे मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि लंग्स ने ऑक्सीजन को लेके पे डिजोल्व कर दिया है उसको ब्लड में घुला दिया है मतलब ब्लड में उसको क्या कर दिया है डाल दिया है किसको ऑक्सीजन को तो अब ये जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा ब्लड प्लस ऑक्सीजन यहां पर देख पा रहे हैं ब्लड प्लस ओ है हमारा एक तो ब्लड में अभी क्या आ चुका है ओ टू आ चुका है ये कब की बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने जब इसे दिया तो इसको बोलते हैं फ्रेश ब्लड है ना डायग्राम में जो आपको रेड कलर का बुक वगैरह में जो डायग्राम दिया जाता तो है उसमें रेड कलर का जो पार्ट दिखाया जाता है बेसिकली वो दिखाता है प्योर ब्लड को किसको दिखाता है प्योर ब्लड प्योर ब्लड कहने का मतलब जिसमें क्या हो ऑक्सीजन हो और इसी तरीके के ब्लड को क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं ऑक्सीकृत खून ऑक्सीकृत रक्त रक्त बोलते हैं इसको ठीक है तो अभी के समय में ये जो रेड वाला जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो दिख रहे हैं इन सारे में क्या है ये जो सारे ब्लड सेल्स है ये ऐसे सेल्स है ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन है एक्चुअली क्योंकि ब्लड का जो रेड पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से क्या होता है रक्त का जो कलर होता है वो रेड होता है तो इसने क्या कर रखा है ट्रैप कर रखा है किसको ऑक्सीजन को तो ये सारे ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिसके पास क्या है ऑक्सीजन ट्रैप्ड है ऑक्सीजन को पकड़ रखा है इनने तो अब ये क्या करता है इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ किधर लेफ्ट एट्रियम की एक्ट्रीय बाया अलिंद की तरफ और मूव करता हुआ क्या करता है यहां पर ये आ जाता है पर यह आ जाता है ठीक अभी ऑक्सीजन पे आ गया है कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या इस तरीके से मूव करते हुए कहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आता है देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो कहानी है कब की है जब रेस्पायरेटरी सिस्टम ने हमारे ब्लड सेल्स ये वाला जो सेल्स है छोटे छोटे ये सेल्स जो मूव कर रहे हैं अब ये देखिए ये मूव कर रहा है यहां से यहाँ आ रहा है इधर आ रहा है यहां तक आ रहा है ठीक है अब ये जो मूव कर रहा है ये सेल्स ये सेल्स क्या है ऑक्सीजन को पकड़े हुए है ट्रैप किए हुए है और ये इसको कहाँ से मिला ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिला इतना तो समझ में आ गया अब देखो क्या है लेफ्ट एट्रियम में जब ये ब्लड आता है तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ये क्या कर रहा है मूव कर रहा घुस रहा है इसमें बट यहाँ बीच में एक रास्ता होता है इसको बोलते हैं वल्ब ये वल्ब के थ्रू घुसता है किसके थ्रू घुसता है ये के थ्रू घुसता है ठीक है यहाँ पर आप ध्यान मत देना कि इधर से निकल रहा है ऐसा कुछ नहीं है ये घुसता है किसके थ्रू इधर तो ये पैक है पूरा इधर भी पैक है तो वल्ब के थ्रू ही क्या करेगा एंटर कर जाता है किसमें ये देखिए इसके थ्रू एंटर कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में अब देखिए वल्ब क्या होता है वल्ब एक स्ट्रक्चर है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है अब इसकी अगर एग्जाम्पल को समझे तो यहां पर देखो समझो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप जब साइकिल जो होता है बाइस्किल्स जो होते हैं ठीक है बाइसाइकिल की अगर बात करें तो उसमें जब हवा भरते हैं तो हम जो प्रेशर से हवा भरते हैं पंप से हवा भरते हैं तो वो पंप से मान लो ये हमारे पास क्या है ट्यूब है टायर है ये पंप ये हमारे बाइस्किल का ठीक है तो इसमें जब हवा डालते हैं तो वो हवा क्या होता है अंदर तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है बाहर आता है दूसरे रास्ते से अगर कोई पंचर हो जाए तो तो ये कि हवा को हवा के बैक फ्लो को क्या रोकता है वाल्व रोकता है तो आपको पता होगा कि साइकिल के जो ए, यहां पर एक पॉइंट पे वाल्व हमारा ऐसा करके लगा होता है तो ये वाल्व ही क्या करता है हवा के बैक फ्लो को रोकता है मतलब हवा जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस ना आ पाए तो उसी तरीके का वल्ब हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right एट्रियम से राइट right वेंट्रिकल की तरफ क्या होता है लगा होता है जो कि ब्लड के ब्लैक बैक फ्लो को रोकता है अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरीके से होता है ये देखिए ये हमारे पास एक पाइप है ठीक है यहां पर ये ब्लड वेसल्स है तो ये ऐसे करके और ऐसे करके हमारा वल्ब लगा हुआ कि इधर से खून तो जाए ठीक है ऐसे जाता है और ये बंद हो जाता है बंद होने के कारण क्या है फिर वापस इसमें नहीं आ पाता है तो यूनिडायरेक्शनल बना देता है ब्लड के फ्लो को आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो अभी क्या है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हम आ गए अब क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का दीवाल मोटा इसलिए होता है हमने आपको बताया था कि ये जो वॉल्स आपको दिख रही है ये एज कंपेयर टू थ्री चेम्बर्स काफी मोटी इन चेम्बर की तुलना में ये काफी क्या है मोटी दीवार है यहां से जो होता है सबसे ज्यादा हाई प्रेशर में पंप किया जाता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोले तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले इस वाले वेसल्स में भी होता है ये नंबर वन का वेसल्स था हमारे पास ये नंबर का है ये नंबर थ्री का ब्लड वेसल्स है रक्तवाहिया और ये नंबर चार की रक्तवाहिया तो यहां पर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ इस तरीके से पंप किया जाता है कि ये सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे आता है ऑल सेल में मतलब बॉडी के हरेक पार्ट के हरेक सेल में ये पहुंच जाए तो आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी रक्तवाहिनियां आगे चल के छोटी रक्तवाहिनियों में बदल जाती हैं, और ये छोटी रक्तवाहिनियां और भी छोटे छोटे कैपिलरीज में बदल जाती हैं किसमें बदल जाती हैं? कैपिलरीज में बदल जाती हैं, है। इस तरीके से पतले पतले कैपिलरीज में ये क्या हो जाती है बदल जाती है तो यहां पर जो प्रेशर होगा हाई आपको अप्लाई करना होगा ताकि हरेक सेल्स और सेल्स यहां पर कुछ इस तरीके से बिखरे होते हैं हरेक सेल्स के पास क्या करना होता है हमें ये सेल्स है हमारे ये देखिए ये सेल्स है तो हरेक सेल्स के पास ब्लड पहुंच पाए इसके लिए हमें क्या करना होगा यहां से हाई प्रेशर में इसको क्या करना होगा पंप कराना होगा यहां पे हाई प्रेशर में डालना होगा तो यही वाला काम जो है यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चेंबर करता है और यही कारण है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चेंबर्स होते हैं वो उसके वॉल्स जो होते हैं वो काफी मोटे होते हैं ताकि पंप करते समय हाई प्रेशर के अंडर में आकर ये रप्चर ना हो जाए ये फट ना जाए इसलिए इसकी दिवाले क्या होती है एज कम्पेयर टू इन थ्री चेंबर्स के ये मोटी दिवाले होती हैं यहाँ पे ठीक है इसको आप याद रखिएगा होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अभी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर दिया किसने लेफ्ट एट्रियम ने बाया अलिंद ने अब लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए क्या करेगा यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल इसे जोर से पंप करेगा कहां पे हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स मतलब सेल्स में ये पहुंचा रहा है कहां पहुंचा रहा है ये सारे सेल्स में आ रहा है अब यहां पर क्या होगा ये ऑल बॉडी पार्ट्स में क्या है छोटे छोटे सेल्स ही तो है ट्रिलियर ऑफ सेल्स हमारे हैं हर एक बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं तो बॉडी पार्ट में क्या है सेल है ये सारा क्या है हमारा सेल है ये सारा कहां पे आ रहा है खून सेल में आ रहा है ऐसा रक्त आ रहा है जिसमें क्या है ऑक्सीजन है ओ टू है ब्लड तो है ही ब्लड तो लेके उसको आ ही रहा है ऑक्सीजन भी उसमें क्या है? है और सेल्स को क्या चाहिए एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा ये हमारा सेल है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म में एक जगह यहाँ पर हमारा क्या है इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा तो यहां पर क्या होता है यहां पर ग्लूकोज जो है सी सिक्स एच ओ सिक्स प्लस ओ टू अगर इसको एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ये क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है क्या करता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी वाटर तो बताओ ये जो सेल को जो मिला ऑक्सीजन उससे उसने क्या कर लिया एनर्जी बना लिया एनर्जी बना लिया तभी तो सेल्स को सेल को क्या चाहिए हर एक टाइम जब भी आप एक साइकिल पूरा होता है जब भी आप सांस लेते हो तो इसे क्या मिलता है फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है जिससे ये हर एक बार क्या कर पाए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ पाए और उससे क्या कर पाए एनर्जी को डेवलप कर पाए एनर्जी को बना पाए लेकिन यहां पर एनर्जी के साथ एक अनवांटेड मटेरियल भी डेवलप हो जाता है अनवांटेड मटेरियल क्रिएट हो जाता है जो है हमारा सीओ हमारे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए इसे बॉडी से रिलीज करना बाहर बहुत जरूरी होता है इन द टर्म ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ ठीक है तो अभी क्या है कि ग्लूकोज ये ब्रेक होकर के, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या हो गया है? ब्रेक हो गया गया है है ब्रेक एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में एनर्जी हमारे काम का है वाटर काम का है ठीक है चलेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर रिलीज करना है तो अब ये सेल क्या बोलता है कि यहां से ये जो ब्लड जा रहा है बोलता है जा तो रहे हो क्या करो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते जाओ और दे देना किसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकि हम क्या करते हैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्या है एक्सहेल हो जाए क्या हो जाए एक्सहेल हो जाए अभी देखिए कैसे होगा तो अब क्या करेगा ये वाला ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज होने के बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज जो है यहां पर टूटना जब ग्लूकोज का हो जाएगा तो उसके बाद कार्बन बनेगा हर एक सेल में यहां भी बनेगा यहां भी बनेगा यहां भी बनेगा यहां, बने यहां, बने यहां यहां सब सारे सेल में बन जाएगा ये सारा कार्बन दे दिया जाता ब्लड को अब जो ब्लड है वो अशुद्ध खून हो गया है अशुद्ध बोला जाता है इसको हिंदी में क्यों क्योंकि डी ब्लड है और क्यों अशुद्ध हो चुका है क्योंकि इसमें कार्बन मिल चुका है क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है तो ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो उसे क्या बोलते हैं अशुद्ध रक्त बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डी ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये दे दिया जाता है किसको ये देखिए हमने इसे ब्लैक सेल से दिखाया है ये हल्का ब्लैक सेल्स है जो कार्बन को दिखा रहा है ये पास कर दिया जाता है हमारे ब्लड को और ये पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे राइट right एट्रियम में कहां पे पहुंचा दिया जाता है राइट right एट्रियम दाया अलिंद में पहुंचा दिया जाता है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल में आपको इसे नहीं मिलाना है ये जाता कहाँ पे है राइट right एट्रियम में जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं अब राइट एट्रियम क्या करता है अभी देखो अभी इसमें जो खून है तीन नंबर ब्लड वेसल्स में वो डी ऑक्सीजनेटेड है मतलब ऐसा खून है ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो किसको कैप्चर करके कैरी कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम कर रहे हैं और ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन ही तो करता है इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं अगर ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो है कि नहीं यहां पर देखिए वही हेमोग्लोबिन किसको कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को है कि नहीं डी ऑक्सीमेग्लोबिन इसको बोलेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैरी करके कहां पहुंचा दिया राइट एट्रियम में राइट एट्रियम क्या करेगा सिंपली इसको पास कर देगा इस वल्ब के थ्रू किसको राइट वेंट्रिकल को पास कर देगा और वल्ब बंद हो जाएगा ताकि ये बैक फ्लो ना कर पाए एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ ना जा पाए तो अभी देखिए हमारा ब्लड कहाँ आ गया है यहां राइट वेंट्रिकल में देखिए आ भी रहा है आप देख पा रहे होंगे यहां पे आ रहा है ब्लड आ रहा है अब राइट वेंट्रिकल क्या है अब देखिए ये वेंस है ये सीरा है अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी बताने के बाद इसको डिस्कस करता हूं राइट वेंट्रिकल क्या करता है इस वाले ब्लड को इस वाले ब्लड को पंप कर देता है किधर की तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ तो अगर इसको अगर दिखाना चाहे तो इस तरीके से देखिए राइट में एट्री में आने के बाद सारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड पे चला गया रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एलवीओली के बगल बगल में जो कैपिलरी था यहाँ पे चला गया और इसके बाद क्या हुआ कि सारा सीओ टू हमारा रिलीज कर दिया गया कहाँ पे आट्मस्फेर से एटमोसफेयर में तो बेसिकली ये इनहेल का प्रोसेस था जब हम क्या कर रहे थे सांस ले रहे थे तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ले रहे थे हम लोग और ये एक्सहेल जब सांस छोड़ते हैं इस तरीके से ये इनहेल किया हमने सांस को लिया तो ये सांस जब लिया था तो यहां से रेड ब्लड सेल्स में ये घुला और गया था इस तरीके से आया था सेल यूज जब कर लिया था ऑक्सीजन को तब हम क्या कर रहे थे सांस को हमने छोड़ा था यहां पे तो ये देखिए वन साइकिल यहां पे कंप्लीट होता है सांस लेने का मतलब वन ब्रीदिंग में ये पूरा काम हो रहा है एक ब्रीदिंग साइकिल अगर आप कंप्लीट करते हैं मतलब इनहेलेशन और एक्सलेशन को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ये पूरा साइकिल वन साइकिल ऑफ हार्ट क्या कहलाता है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ठीक है अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करूंगा वेन और आर्टरी के बारे में तो ये रेड वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वेन और आर्टरी में अंतर को हम कैसे बताएंगे तो मैं यहां पर थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस में यहां पर बनाऊंगा तो इन सारी चीजों को मैं क्या करता हूं यहाँ से डिलीट करता हूं अब बेसिकली हम लोग क्या है वेन और आर्टरी जो है उसमें हम लोग अंतर को पढ़ने वाले हैं तो वेन और आर्टरी में अंतर को पढ़ने वाले हैं किस तरीके से देखो ध्यान देना ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछ दिए जाते हैं तो देखिए वेन वैसी रक्त वाहिनियां हैं ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हृदय के नजदीक लाते हैं ब्लड को हृदय के नजदीक लाते हैं तो वन नंबर की अगर बात करें इस एक नंबर की अगर बात करें तो ये वेन है कि आर्टरी है ये बताओ आप ये वाला वन नंबर वेन है कि आर्टरी वैसे तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन लिखा है तो ये वेन ही होगा लेकिन वेन क्यों है क्योंकि देखिए ब्लड को ये कहाँ ला रहा है हृदय के अंदर ला रहा है नजदीक ला रहा है लेकिन उसी तरीके से दो नंबर वाले की इसकी अगर बात करें तो ये हृदय से दूर ले जा रहा है ब्लड को इसलिए ये क्या है आर्टरी ये क्या है आर्टरी तो ये ऑर्टा क्या है एक तरीके का आर्टरी आर्टरी है ये ऑर्टा क्या है एक तरीके का आर्टरी उसी तरीके से तीन नंबर की अगर बात करें तो बॉडी पार्ट से निकाल के ब्लड को ये कहा ले जा रहा है हार्ट के अंदर ले जा रहा है तो इसलिए वेन है वेना कावा तो इसका नाम है लेकिन वेना कावा क्या है एक तरीके का वेनि तो है जिसका अलग नाम दे दिया गया है क्या वेना कावा दे दिया गया उसी तरीके से चार नंबर वाले की बात करें तो हर्ट से निकाल के ये रेस्पायरेटरी सिस्टम मतलब दूर ले जा रहा है ब्लड को तो इसीलिए क्या है आर्टरी है और इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी इसको क्या बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी अब ये दोनों ऊपर में जो आप देख पा रहे होंगे एक नंबर और चार नंबर यहाँ पर देखिए एक नंबर इधर है ये वाला एक नंबर है और ये चार नंबर वाला ये है इन दोनों को आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लगा है तो पल्मो वर्ड यहां भी आता है वो रिलेटेड होता है किससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो याद रखिएगा देखिए पल्मो वर्ड जो आता है वो आता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेटरी सिस्टम से उसी तरीके से हमारे पास कुछ और टर्म मैं आपको बता दूं जैसे हिपैटिक वर्ड कहीं कहीं पे आ गया हिपैटिक तो ये होता है हमारे रिलेटेड किससे लीवर से आता है कार्डियक अगर वर्ड आ गया तो कार्डियक रिलेटेड होता है किससे हार्ट से हमारा किससे हार्ट से गैस्ट्रो वर्ड कहीं पे अगर आ गया गैस्ट्रो अगर आ जाता है तो ये रिलेटेड किससे होता है हमारा स्टमक से किससे रिलेटेड होता है स्टमक से रिलेटेड होता है ठीक है और इसी तरीके से अगर रीनल वर्ड आ गया कहीं पे कौन सा रीनल तो ये किससे रिलेटेड होता है किडनी से तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ठीक है तो होप तो आपको ये चीज समझ में आ गया आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है ये चीज आपको समझ में आ गया हो दूसरा अंतर मैं आपको बता देता हूं कि आर्टरी जो होती है उसकी जो वॉल्स होती है दीवाले जो होती है ये जो दीवार है आर्टरी की ये दीवार क्या है ये आर्टरी है हमारी ठीक है तो आर्टरी की दीवाल होती है थिक होती है ठीक होती है क्यों ठीक होती है क्योंकि इसे हाई प्रेशर में ब्लड को क्या करना होता है पंप करना होता है थ्रू आउट दी बॉडी तो थ्रू आउट दी बॉडी अगर हाई प्रेशर में पंप करना है तो दीवार को क्या होना हो पड़ेगा यहाँ पे मोटा होना पड़ेगा नहीं तो क्या को हो जाएगी हमारी रपच्चर हो जाएंगी और सारा ब्लड क्या हो जाएगा फ्लो हो जाएगा रप्चर होकर जबकि अगर बात करें हम वेंस की तो वेंस की जो वॉल्स होती है वो काफी पतली होती है क्योंकि इनमें हाई प्रेशर ऑफ ब्लड नहीं होता है यहाँ पर ब्लड जो है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पंप इसी तरीके से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल क्या कर रही है पंपिंग का काम कर रही है ये पंप करके कहा पहुंचाती है रेस्पाइरेटरी सिस्टम को पहुंचाती है अगर आप बात करें यहाँ पर अगर वेन की बात करें यहाँ पर देखिए वेन की बात करें तो रेस्पाइरेटरी सिस्टम से हमारा लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा है सक कर रहा है खींच रहा है ब्लड को तो यहाँ पे खींचने के दौरान क्या है यहाँ पे इस वाले पे एक नंबर पे भी क्या है कम प्रेशर है तीन नंबर पे भी कम प्रेशर है लेकिन अगर बात करें दो नंबर चार नंबर की तो दोनों पंपिंग का काम कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा पंपिंग का काम कौन कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है यहाँ पे ठीक है तो होप आपको ये चीज़ क्या है समझ में आ गई हुई तो रेस्पायरेटरी सिस्टम किस तरीके से इन्वॉल्व होके हमारा हार्ट इस तरीके से काम करता है रेस्पायरेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होके ठीक है चलो तो एक यहाँ पर देखो मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों में ये भी रहती है कि भाई देखो यहाँ पे बुक में जो लिखा जाता है जनरली वो लिख दिया जाता है पर यहाँ पर देखिए हम समझने की कोशिश की जो फैक्ट है उसको समझते हैं ठीक है बाद बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं है फैक्ट्स जो है उसको हम लोग क्या करेंगे समझेंगे तो रेड कलर चूज कर लिया कोई दूसरा कलर चूज कर लूँ मैं यहाँ पे सब करके दिखा रहा हूँ आपको आपको साफ यहाँ पे क्या है दिखने वाला है देखो यहाँ पे कहा जाता है कि आर्टरी में जो हमेशा क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारा फ्लो होता है मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो ऑक्सीजन हो ऐसा ब्लड फ्लो करता है किसमें आर्टरी में ये करता है आर्टरी में ऐसा बोला जाता है आर्टरी और ब्लड के साथ जो फ्लो करता है ब्लड के साथ अगर सीओ टू है तो ये फ्लो करेगा किसमें तो ये करेगा वेन्स में बट ऐसा नहीं है देखो ये आर्टरी है एक नंबर आर्टरी है हमारा वन नंबर आर्टरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है कर रहा है सॉरी ये वेन है ये हमारा एक नंबर क्या है वेन है अगर यहाँ पे देखो दो नंबर तो दो नंबर क्या है आर्टरी है यहाँ पे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है हाँ बिल्कुल कर रहा है ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे आ रहा है ऑल बॉडी पार्ट में लेकिन यहाँ पे चार नंबर भी तो आर्टरी है ये देखिए चार नंबर पल्मोनरी आर्टरी है तो क्या इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है ये ये देखिए इसमें क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है नहीं है यहाँ तो ब्लड और प्लस क्या है सीओ टू ब्लड प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है उसी तरीके से वेन में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता जैसे अगर तीन नंबर की बात करें तो तीन नंबर में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वेन है एक्चुअली वेना का इसका नाम है वेन है देखो कोई भी ब्लड वेसल्स हो अगर अगर इसको याद करने का एक ट्रिक भी है जैसे वेन वेन को ये कैसे साउंड करता है वे इन वे इन मतलब हृदय की तरफ अंदर की तरफ जो खून को ले जाए वो क्या कहलाता है वेन कहलाता है और जो बच गया वो क्या कहलाएगा आर्टरी कहलाएगा क्या कहलाएगा आर्टरी कहलाएगा हिंदी मीडियम वाले देखो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ये क्या बोलते हैं अलिंद बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं नीलय एक को क्या बोलते हैं सॉरी एक है हमारे पास ये देखिए एक हमारे पास सिरा जिसको वेन बोलते हैं और दूसरा क्या है धमनी तो धमनी से आप याद रखते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम वाले वेन से याद रखेंगे तो हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे धमनी से याद रखेंगे अब धमनी किसको ध मनी धमनी तो धमनी से आसान रहता है कि मनी मतलब मनी लेके मनी क्योंकि महंगा होता है और ये अगर कोई लेगा तो वो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा उसे निकलना पड़ेगा बाहर भागना पड़ेगा तो मनी लेके क्या कर जाओ भाग जाओ तो मनी लेके क्या करो भागो तो मनी लेके भागेगा मतलब दूर जाएगा मंडी लेकर भागने का मतलब क्या वो दूर जाएगा तो धमनी क्या करता है हृदय से हमेशा ब्लड को कहाँ ले जाएगा दूर की तरफ फ्लो कराएगा ठीक है तो हिंदी मीडियम ऐसे याद रख लेना इंग्लिश मीडियम वाले जो हो वो वे से याद रख लेना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके ये आपके सीबीएसई के सिलेबस सारे में आपको ये काम आने वाला है ये मैं दोनों को टारगेट करके ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि कॉमनली मैं बता रहा हूँ ये अगर कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग ठीक है तो यहां पर जैसे चार नंबर की बात करें तो ये देखो क्या है हमारे पास एक आर्टरी है यहाँ पे सॉरी तीन नंबर की बात करें तो तीन नंबर क्या है वेन है हमारा तो देखो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तीन नंबर में लेकिन एक नंबर भी वेन है उसमें क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है ठीक है भाई तो अब क्या कर लेते हैं इसको कोरिलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम अपने रियल वाले क्या हार्ट से क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए मैं नहीं बता पाया था अभी सबसे पहले ब्लड हमारा यहाँ पे वेंट्रिकल को देख लेते हैं लेफ्ट एट्रियम ये हमारे पास चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम ये ऊपर में लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे में राइट right वेंट्रिकल ये वाला रहा और राइट right एट्रियम ये वाला रहा सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आया इसने पास कर दिया कि इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल पास कर दिया किसको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हैं तो उसको पास कर देगा ये बॉडी पार्ट्स से जो निकलेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा इस वाले में घुसेगा तो ये कौन सा है ये वाला कौन सा है तो ये राइट right एट्रियम है और राइट right एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर ब्लड आ गया ठीक है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहां पर ब्लड आ गया और यहां पर ब्लड आने के बाद इसने क्या किया राइट right वेंट्रिकल में डाला और राइट right वेंट्रिकल से ये निकल के नीचे वाले बॉडी पार्ट में चला गया सॉरी यहाँ से राइट right वेंट्रिकल से निकला और राइट right वेंट्रिकल से निकलने के बाद ये चला गया इस तरीके से ये नीचे नहीं आएगा यहां से ये, ये क्या करेगा राइट right वेंट्रिकल से निकल के ऐसे करके ये लंग्स में चला जाएगा कहां पे चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा तो बेसिकली यही वो डायग्राम है जिसको मैंने क्या किया है इस तरीके से सिंपल करके समझाया आपको तो जब इसमें आप देखना चाहोगे तो ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और समझने में भी यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि कई डायग्राम्स में आपको ये क्लियर नहीं दिखाया जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा इस वाले डायग्राम से भी आपको पूरा फंक्शन अच्छे से कोरिलेट करके मैं नेमिंग के साथ यहाँ पे बता दूंगा ठीक है तो होप ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो